अरकान इस्लाम की तादाद है अलिफ 5, बे 3, जीम 2, दाल 4। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ 5। इस्लाम की इमारत किस चीज़ पर कायम है? अलिफ अरकान इस्लाम पर, बे रिसालत पर, जीम रोज़ पर, दाल तौहीद पर। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ अरकान इस्लाम पर। इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? अलिफ नमाज, बे रोज़ा, जीम कलमा शहादत, दाल ज़कात। इसका दुरुस्त जवाब है जीम कलमा शहादत। कलमा शहादत के अज्ज़ा हैं अलिफ 4, बे 3, जीम 2, दाल 1। इसका दुरुस्त जवाब है जीम 2। कलमा शहादत में कितने अकायद का जिक्र है? अलिफ 4, बे 3, जीम 2, दाल 1। इसका दुरुस्त जवाब है जीम 2। कलमा शहादत का पहला हिस्सा मुश्तमिल है अलिफ रसालत पर, बे नमाज पर, जीम तौहीद पर, दाल रोज़ा पर। इसका दुरुस्त जवाब है जीम तौहीद पर। अरकान जमा है अलिफ रुकू की, बे रुकून की, जीम रुकन की, दाल इन सब की। इसका दुरुस्त जवाब है जीम रुकन की। अगला पॉइंट है नमाज। सलात के लुगवी मानी है अलिफ नमाज पढ़ना, बे अल्लाह के हजूर दरख्वास्त करना, जीम पढ़ना, जमा करना, दाल दुआ बरकत। सलात किस जुबान का लफ्ज़ है? अलिफ फारसी, बे उर्दू, जीम हिंदी, दाल अरबी। इसका दुरुस्त जवाब है दाल अरबी। क़यामत के रोज़ सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा? अलिफ रोज़ा, बे हज, जीम नमाज, दाल ज़कात। इसका दुरुस्त जवाब है जीम ज़कात नमाज। कौन सा रुकन इस्लाम आसमान पर फ़र्ज हुआ? अलिफ नमाज, बे ज़कात, जीम नमाज, दाल हज। इसका दुरुस्त जवाब है जीम नमाज। नमाज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अलिफ फ़ारसी, बे उर्दू, जीम अरबी, दाल अबरानी। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ फ़ारसी। जहन्नमी अपने दोज़ख जाने के का क्या सबब बताएंगे? अलिफ कुफर, बे तर्क नमाज, जीम मुनाफ़िकत, दाल कुर्बानी ना करना। इसका दुरुस्त जवाब है बेहतर के नमाज। मोमन की मेराज है अलिफ नमाज, बे अमानत, जीम शराफत, दाल सदाकत। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 मस्जिद में अदा फरमाई, अलिफ नमाज तहज्जुद, बे नमाज जुमा, जीम तरावी, दाल नमाज जनाजा। इसका दुरुस्त जवाब है जीम तरावी। कुफर का मौजब है अलिफ कतल, बे तर्क नमाज, जीम सूद खोरी, दाल बद अखलाकी। इसका दुरुस्त जवाब है बे तर्क नमाज। नमाज कसर से क्या मुराद है? अलिफ नमाज सफ़र, बे नमाज मैदान जंग, जीम नमाज मस्जिद, दाल नमाज इनफरादी। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ नमाज सफ़र। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नमाज को किस चीज़ से ताबीर किया है? अलिफ तज़करा, बे इत्मीनान, जीम ज़िक्र, दाल रहम। इसका दुरुस्त जवाब है जीम ज़िक्र। हमारे पास बुराइयों को रोकने का सबसे बड़ा नुस्खा कौन सा है? अलिफ ज़कात की अदायगी, बे नमाज की अदायगी, जीम मसावात का क़याम, दाल रोज़ों का अहतमाम। इसका दुरुस्त जवाब है बे नमाज का अहतमाम। नमाज कब फ़र्ज़ हुई? अलिफ शब नबूवत में, बे लैलतुल क़द्र में, जीम अरफात में, दाल शब मेराज में। इसका दुरुस्त जवाब है दाल शब मेराज में। कौन सी इबादत क़ुरब खुदाबंदी का ज़रिया है? अलिफ नमाज, बे ज़कात, जीम हज, दाल रोज़ा। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ नमाज। किस रुकन इस्लामी को मोमन की मेराज कहा गया है? अलिफ रोज़ा, बे ज़कात, जीम हज, दाल, जीम नमाज, दाल हज। इसका दुरुस्त जवाब है जीम नमाज। किस रुकन की अदायगी से बंदा अल्लाह से बातें करता है? अलिफ रोज़ा, बे नमाज, जीम रोज़ा, दाल ज़कात। इसका दुरुस्त जवाब है बे नमाज। इस्लाम में तर्क नमाज की हैसियत क्या है? अलिफ कुफर, बे शिर्क, जीम मुनाफ़िकत, दाल बेईमानी। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ कुफर। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी इसने किया अलिफ शिर्क, बे मुनाफ़िकत, जीम कुफर, दाल बेईमानी। इसका दुरुस्त जवाब है जीम कुफर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को
جنت کی چابی قرار دیا. الف شہادت، بے نماز کی ادائیگی، جیم زکوٰۃ کی ادائیگی، دال انفاق فی سبیل اللہ. اس کا درست جواب ہے بے نماز کی ادائیگی. اسلام میں پہلی مسجد ہے الف قبا، بے مسجد نمرہ، جیم مسجد نبوی، دال مسجد عائشہ. اس کا درست جواب ہے الف مسجد قبا. نماز بہترین مظہر ہے الف عبادت کا، بے رشتہ داری کا، جیم مساوات کا، دال دوستی کا. اس کا درست جواب ہے جیم مساوات کا. قیامت کے روز سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں حساب ہوگا؟ الف ایمان، بے نماز، جیم روزہ، دال زکوٰۃ. اس کا درست جواب ہے بے نماز. اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ الف نیت پر، بے تسلسل پر، جیم دولت پر، دال عاملین کی تعداد پر. اس کا درست جواب ہے الف نیت پر. نفرت الہی کا ذریعہ کون سی چیز ہے؟ الف روزہ، بے ضبط نفس، جیم نماز، دال تعداد. اس کا درست جواب ہے جیم نماز. ذکر کی افضل ترین شکل ہے الف حج، بے نماز، جیم روزہ، دال زکوٰۃ. اس کا درست جواب ہے بے نماز. نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے؟ الف چاند گرہن کے وقت، بے سورج گرہن کے وقت، جیم بارش کے وقت، دال جنگ کے وقت. اس کا درست جواب ہے دال جنگ کے دوران. نماز جنازہ ہے الف فرض عین، جیم بے واجب، جیم فرض کفایہ، دال نفل. اس کا درست جواب ہے جیم فرض کفایہ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے الف 50 گنا، بے 30 گنا، جیم 27 گنا، دال 20 گنا. اس کا درست جواب ہے جیم 27 گنا.